बाहर जाओ, चॉकलेट खाओ, मम्मी पापा को काम है, ठीक है? दो पैसे दे रहे हो और क्या? सारा जमाना हीरो का दीवाना आ, मेरे को पता है आप तो भगवान के मुझे ना कोई पकड़ पकड़े नहीं खेला तो मुझे पकड़ो, अरे मुझे पकड़ लो ना, अरे मैं हूँ, मुझे पकड़ लो ना। वो तो कुछ फंजबाई खेल रहे हैं, तू डायन दे जा उधर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज रंजन एक धमाकेदार रोमांटिक प्रैंक करने वाला हूँ, जिसमें डुगू की थोड़ी सी हेल्प लेनी मांगूंगा मैं, और उसको मैंने समझा दिया है जो भी कुछ करना है। मैं दिखाता हूँ आपको रंजन क्या करी। देखो बैठी हुई है, फोन चला रही है, तो करते हैं धमाकेदार उस पर रंजना का प्रैंक। तो फ्रेंड्स देखते हैं रंजना के रिएक्शन क्या होते हैं, कि आई थिंक जब शाम के 5-6 बजे अगर पति रोमांटिक मूड में हो तो देखते हैं बीवी के रिएक्शन क्या होते हैं। तो काम यही है। तो फ्रेंड्स बाकी आपने हाईलाइट देख ली होगी, तो वीडियो समझ में आई रही होगी, तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट जरूर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पेज पर आया तो फॉलो जरूर करना। मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। दिखा बालों की खुशबू, क्या शैम्पू लगाया है सुंदरी। पागल हो क्या? हाँ, तो किसी दूसरी की बीवी के संग कर रहा हूँ रोमांस, अब पागल हो गया मतलब। गेयर टाइम अगर कर लो ने तो? रोमांस तो तुम्हारे ऐसे ही रिएक्शन होते हैं, पागल हो गया, जैसे किसी दूसरी की बीवी को छेड़ रहा हूँ क्या मैं? दूसरी नहीं, दूसरे में क्या बोलती हो? तो तुम ऐसे ही करती हो? टाइम देख लो, शाम के 6 बज रहे हैं, कोई रोमांस करने का कोई टाइम होता है ये? बात तो सही है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? 3-3 कमरे, किसी भी रूम में घुस जा। इसी भी 3 कमरे लिए थे। सही पकड़े हैं। और क्या? फायदा उठा रहे 3 कमरे ले होने का। और क्या? क्या है? क्या हीरो बन के आके बैठ गया मेरे पास नया? ऐसा है ना, थोड़ा सा ना एक रुको, तो टीवी देख रहा है यार। तो आ जा ना। अच्छा शाम का टाइम में दिखाई नहीं देता तुमको? अंदर है तो क्या हो गया? जो घर में है वो कभी भी चला है, गेट खुला हुआ है, कभी भी चला है, टीवी देख रहा है वो। अरे तो पागल है क्या? जल्दी आ। ए हे, रहा नहीं जाता यार। मना कर रही हो ना यार, समझ में नहीं आता क्या? तू कौन? अंदर है, शाम के 6 बज रहे हैं। क्या हुआ? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तू और आ गया, तो वैसे कोई जरूरत पड़े तब तो तू काम पे आता नहीं है, वैसे कोई वो ऑल तो हल आ गया। चल ऐसे सुने जरा, वैसे भी तेरा पार्क में खेलने का टाइम हो रहा है, जेल ले पकड़, बाहर जाओ, चॉकलेट खाओ, मम्मी पापा को काम है, ठीक है? क्यों दे रहे हो? क्यों पैसे दे रहे हो? भगा रहे हो उसको? दुगो दे रहा उसको, हाथ में पैसे क्यों दिए? तो बता रहे, मैं उसको कभी पैसे नहीं देती, मैं हमेशा खरीद के देती हूँ। अरे ला पैसे दे, तू बाहर जा यार, मम्मी पापा को थोड़ा काम है, बाहर जा। जो भी का आज देख, चॉकलेट खानी, चॉकलेट का आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम का, थोड़ी देर बाद बाहर आई हो, ठीक है? मेरे को पता है आप चॉकलेट से पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करके। हाँ पिज्जा खाएंगे, तुम जाओ अंदर, पिज्जा मंगा रहे, पिज्जा खाएंगे। अरे तू जाना है, समझा कर तू जा। अरे तू जा पागल हो के जा आराम से। सुन तू, मेरे को मोमोज भी खाना है, तो मोमोज भी खा के आ रही हूँ, ठीक है? मोमोज चॉकलेट, जा 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 जा। वैसे उसको पेट से नीचे तुम्हारे उसको चॉकलेट मोमोज खिला रहे हो, अपने स्वाद के चक्कर में पूरा बेकार क्या? ना सारा जमाना हीरो का दीवाना, हीरो का दीवाना। डांस करने का मूड मुझे बता देते, वो तो डुगू के सामने भी कर लेती मैं डांस। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? अरे डांस का नहीं। हाँ पगलिया होगा, डांस तो कर रहे हो। डुगू को चॉकलेट लिए 100 रुपए दे दिया यार, 100 रुपए बर्बाद चले जाएंगे। बैठो यहाँ पे यार, के दो पल नहीं कर तुम यार, बतिया नहीं सकती हो तुम। जी यार ढंग से बैठो पहले। मैं ऐसे खिसियाती हो क्या? ये है बाल मुझसे ज्यादा है। हाँ तुमसे ज्यादा। डुगू को भेजा है काहे के लिए भेजा? 100 रुपए बेकार चले जाएंगे जान। नहीं अच्छा, 100 रुपए बेकार चले जाएंगे।
इतनी मेहनत से डुग्गू को भेजा है, क्यों भेजा है? समझा करो ना, बता दो क्यों भेजा मुझे। छोटी बच्ची हो क्या? बता क्यों भेजा, बता दो, बताओ, एक्सप्लेन करो। वो फिर किसी और को बता के आऊंगा, किसी और को बता दूं? तो बता तो दो, क्या बताओगी किसी और? किसी और को बता दो, बता दो। नहीं तो बता दो किसी और, पब्लिक को फोन करके बता दूं कि डुग्गू को मैंने बाहर लेके भेज दिया 400 रुपए चॉकलेट लेके, वो तो समझ जाएगी यार। अब बताओ, अब समझ गई? अब कैसे समझ गई? उसको तो मुझे मत लाइक, मुझे फोन खोल जाता से बता रही। फिर बिल्ली खाएगी नहीं, फैला देगी, मतलब कन्ना नन्ना कुछ नहीं। बबली का नाम ले लो तो किसे आ जाना है, और वैसे ऐसे नाटक करना है जैसे तो अभी 18 साल की हुई ही नहीं हो। नहीं हाँ, कहीं के लिए भी जाए, मुझे बताओ ना। अब अभी क्यों चिल्ला रही थी? 5 बज गए, 6 बज गए, शाम के 6 बज रहे हैं, बताओ। बबली का नाम ले लो तो गुस्सा हो जाती हूँ। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? खाया है, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर में आने का, ठीक है ना। चलो चल के थोड़ा पढ़ाई करते हैं, यहाँ बैठ गया, ठीक है, पढ़ाई कर, चले जा, टेस्ट चल लेना, जा टेस्ट के याद कर, चल पढ़ाई कर, वो याद कर लेगा अपने। बड़ी खुशी मिल रही होगी ना? इतना तो उतावले क्यों हो रहे हो? उतावला नहीं, नहीं उतावले ही हो रहे हो। मैं तो ये देखता हूँ कि यार रात देखो, शाम के 6 बज रहे हैं, मैं जिस भी लेडीज को देखो उस लेडीज को सिर्फ रात में रोमांस करना अच्छा लगता है। जिस भी लेडीज को, कितनी मैंने पढ़ा है यूट्यूब पे देखा है मैंने, लेडीज को शाम को नहीं अच्छा लगता, दिन में नहीं अच्छा लगता, आखिर ऐसा है क्यों? लेडीज बिजी होती है पूरे दिन, घर में काम करती है, थक जाती है। अब ना बिजी, अब फ्री है ना। वो मुझसे पूछ नहीं तो आया, उधर चलिए, उधर घुस जा, जा। मैं बैठी हूँ यार, अब बताओ ना क्या लिखा हुआ है। रूप एस क्या लिखा है? ये पढ़ने भी आता नहीं है। पता नहीं क्या लिखा है, गलत लिखा है। रूप रूट अब्सॉर्ब है, तो बी एस को बाद में क्यों लगा दिया? इसने गैप दे दिया, इसने स्पेस दे दिया। अब्सॉर्ब क्या करती है? अब्सॉर्ब करती है ना, मतलब खींचती है रूट, रूट जैसे पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, जैसे अब्सॉर्ब करती है पानी। अनिल रूट टंडे बड़ा हो गया तो ठीक है अब। बस उस मौका देख के चौका मारना होता है, तुम क्या जाना नहीं है वक्त पर आ जाके? बॉब मैं वही तो कह रहा था कि शाम को करो रोमांस, पर उसके बाद फ्रेश एयर ऑक्सीजन लो, जिससे कि जो बॉडी में डिटेक्शन हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उससे फिर से बॉडी ना मतलब रिफॉर्म हो जाती है, रिफॉर्म। मैं यही चीज तो समझा, देखो तुम्हें ऑक्सीजन दूँ मैं। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ऑक्सीजन, मेरे पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। मैं अभी नहा के आया था, फ्रेश ऑक्सीजन है मेरे पास, ले लो। नाम की छीन नहीं है छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे जाने दो, मैं नहीं छोड़ूंगा भगवान के मुझे ना कोई पकड़ पकड़ेगा, खेल ले, खेल ले, आओ। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, चुपचाप से डुग्गू, मैं सही बता रहा हूँ, उधर जाके पढ़ो, टेस्ट है तुम्हारा, जाओ बजा के पढ़ो, कल इसकी छुट्टी है, पढ़ लेगा, खेल लेगा, चलो कल छुट्टी, चलो खेल। टेस्ट के बीच में इसकी छुट्टी कहाँ से आ गई? ये छुट्टी उस पे डैन, ठीक है, पकड़म पकड़ाई खेल ले, मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। खेलेंगे तो तीनों खेलेंगे पकड़म पकड़ाई, चुपचाप से इधर आ जाओ, तीनों खेलेंगे, चलो पकड़म पकड़ाई खेलो, चलो पहले मेरे पे डैन है, ठीक है, मैंने मम्मी को पकड़ लिया, अब पकड़ो रन्ने, तुम मुझे पकड़ो, मुझे आओ मुझे पकड़ो, अरे मुझे पकड़ लो ना, मुझे पकड़ लो ना, अरे मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है, पकड़ लिया, लो
अब मैं दोबारा पकड़ूंगा। चला जा। वो पकड़ा। ये खेल के बीच में हो क्या रहा है? मैं तो समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रही हो? ये गेम के बीच में हो क्या रहा है? ये खेल के बीच में? हाँ पता नहीं मुझे क्या रहा। डुगू पा लिया, डुगू पे डायन। रुक जा रुक जा, पहले दूर से पकड़। रंजा हाँ, हम दोनों साथ में भागेंगे। ये पकड़म पकड़म हो रही, छुपन छुपाई नहीं हो रही है। कुछ भी कुछ भी। अरे हाँ बोला छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो हम छुपन। हाँ, पता नहीं क्या चल रहा, गोबर भरा हुआ तो समझ में नहीं आ रहा। तू कुछ छुपन छुपाई खेल रहे हैं? हाँ। तू डायन दे जा उधर। मस्त प्लान है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, 1-10 तक काउंटिंग करियो। ठीक है, डप्पा नहीं बोलते, आई स्पाइस बोलते हैं। नाम लेके पापा आई स्पाइस, मम्मी आई स्पाइस, जाओ दोबारा जाओ। डप्पा ही बोलते हैं? नहीं डप्पा भी बोलते हैं। डप्पा हम बोलेंगे उसको। हाँ। और तुम यार हाथ, अगर तुम अगर नहीं करती तो डुब्बू को दिखाई नहीं देता। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर नहीं छुपेंगे। ठीक है, अपने घर जाना डप्पा। दोबारा होगी तुझ पे। पास से पास आके नहीं करते, दूर से करते हैं। मजा आया। पास तो आके डप्पा कर ही देता हूं मैं। तुम्हें सिर में लग गई? दोबारा जा। मेरी आधा चली आएगी तो मेरी लग गई। नंबर एक का कबीरा। चलो अब तू छुप जा, मैं ढूंढूंगा। ठीक है, गेम खत्म, अब मैं नहीं खेले। अच्छा ठीक है, तुम मत खेलो, डुगू हम दोनों खेलना। ठीक है, मैं तो ढूंढूंगा, जा। 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 कहाँ है डुगू? डुगू तू कहाँ है? डुगू तू मिल ही नहीं रहा है यार, ये पर्दे के पीछे तो नहीं है कहीं? पर्दे के पीछे इस वाले कमरे में होगा। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। उसके साथ खेल लूं। इसमें डुगू तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ गया? तू कहाँ है? कहाँ डुगू यार? अरे यार तो ढूंढ नहीं पाए तो तू आ क्यों गया यार? ढूंढ नहीं पाए, ढूंढ ही नहीं रहे थे तुम उसको, यही तो घूम रहे थे। मैं थक गया यार, अब नहीं खेल रहा। डुगू तू जाओ पढ़ो, बस इतना ही खेलेंगे, जाओ पढ़ो पढ़ो। हाँ जाओ, गेम खत्म, जाओ पढ़ो। मैं स्टेशन पर रहूँ। हाँ जाओ, जाओ पढ़ो। क्या देख रही हो? तुम तो किसकर ही नहीं, नहीं मैं अपने ही गाल कर दे रहा हूँ। और क्या? और क्या? बस ठीक है ना, मैं नाकम घुसे जा रहा है तू। मेरे नाकम घुस रहा है तुम्हारी दाढ़ी के। वही इन्होंने रोमांटिक कर ही दिया ना, पता देखो उधर देखो, वो कैमरा लगा रखा। दोस्तों डाला क्या बोला रंजना ने, सारी मुड़के बताया। डुगू को भी सब बता दिया था कि तुझे क्या एक्टिंग करनी है, चॉकलेट में बाहर जाना है और तुरंत आ जाना है। अगर डुगू बाहर ही चला जाता चॉकलेट लेने, फिर तो पूरा प्रैंक सक्सेसफुल। अभी मैं खाऊं चॉकलेट के नाम से, वो इतनी जल्दी आ कैसे गया? वो जाता है तो वैसे 2 घंटे से पहले आता नहीं है वो। चलो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको प्रैंक, कमेंट करके। डुगू को तो बुला लो। डुगू चलो आप गेम खेलते हैं। हां खेल खेल, प्रैंक हो गया जो प्रैंक हमें करना था। अरे तेरे को बताया नहीं था जो प्रैंक करना था पागल। तो फ्रेंड्स कैसा लगा प्रैंक आपको कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, बाय बाय बाय।
कमेंट करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चल पे ना सब्सक्राइब कर देना फेसबुक पेज पे, तो फॉलो जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बुढ़ली तेरा पचका हो गया, पचका हो गया। दोस्तों बताना ये छुपन छुपाई ऐसे किसने खेली? छुपन छुपाई नहीं थी, कुछ और ही था ये, ठीक। हाँ ऐसे हाइड एंड सीक, ऐसे छुपन छुपाई नहीं, छुपन छुपाई इस तरीके खेलते हैं बहुत, मम्मी पापा खेलते हैं, मम्मी पापा खेलते हैं। और क्या, मम्मी पापा खेलते थे बहुत तरीके, मम्मी पापा खेलते थे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। छुपन छुपाई ऐसे पकड़ाई किसने खेली, ठीक है ना फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताना, बाय बाय।